तुम लोगों के भरोसे जे कल जो बहु है, घर के बड़े तुम्हारे बेटा बहु है का कि वो तय करेंगे कि कौन टाइम से तुम्हें लल्ला जन्ना है? अरे प्रतीक्षा किस बात की है? आदित्य के लाटरी निकलेगी तब का? हमने कहा बैंक में डकैती डाली थी तब बच्चा जने थे? बोलो। अरे उन लोगों ने कह दी और तुम लोगों ने चुपचाप सुन ले। धन्य हो भैया। मतलब हमारा तो सब कहा सुना, व्यर्थ होगा वो ना। अब आके हमारे सामने कहा इंटरेस्ट हुई बाहर है। मजाल है आज तक हमारे बेटा बहू ने हमारा ऑर्डर ना माना। और तुम अपनी बताओ रेनू, ब्याह के जब तुम यहां आए थी तो पहले करवा चौथ पे तुम पेट से थी, कितने पैसे लग गए तुम्हारे हैं? कौन से जेवर बेचने पड़ गए? कितना बड़ा महल चाहिए लल्ला को पालने के लाने, हमको बताओ। ये तो हद हो गई है, हद। अरे आजा 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 मोरा मुन्ना, तू ही पल अपनी दादी को ना देखे ना तो परेशान हो जाते हैं। भोगना है, हमारी पांचों उंगलियां घी में है। उधर वो चौका बर्तन कर रही है, लल्ला हमारे साथ खेल रहा है और बेटा भी रात में आके हमारे पैर दबा देता है। जे समझ लो कि हमारा बुढ़ापा तर्क हो। ना 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 ना, तुम सर कहां हिला रही हो? चाबुक अपने हाथ में पकड़ो और सास बनो सास। नहीं, तुमने तो पीटी मास्टरनी को अपनी सास बना के रखो है, तो भैया आप भूख तो। ए बहू, एक लस्सी कही थी तुम्हें, इतनी देर हो गई है? शक्कर लेने का गन्ने के खेत में चली गई हो? की बहुती है तुम्हें, हमने तो आज तक नहीं सुना कि ब्याह के 3 साल बाद भी बहू बच्चा जन्ने से मना कर रही है। काहे मना कर रही है? बाकी उछल कूद बंद हो जाएगी, चेहरा बदन फूल जाएगा, इसीलिए कह रही है ना कि रेडी नहीं है। अरे बुद्धि उसकी नहीं तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारी। पहले भी वो खुले खुले कपड़े लत्तन पहन के जाया करती थी स्कूल, तभी भी मना नहीं किया, और लो लल्ला जन्ने से मना कर रही। ऐसा करो कि घर की और तिजोरी की चाबी भी ना पाको पकड़ा दो। माँ जी होती ना तो ऐसी भूख को थोड़ी दिन में अपने मायके फेंकवा देती। और एक तुम अम्मा जी की बहू उल्टे गंगा बहा रही हो तुम। है बहू को सर पे चढ़ा के रखा है तो हमारे पास मत आया करो शिकायत लेके, समझ रही हो?